हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि पावर एम्पलीफायर के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करके रखे हैं। उनसे एम्पलीफायर के क्रॉसओवर की सेटिंग हो चाहे कुछ भी, उनको अच्छे से हर जानकारी मालूम है। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पे भी कुछ ऐसे भाई हैं जो कि एम्पलीफायर के बैक जो क्रॉसओवर सेटिंग होता है उसके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि किस स्विच को कहाँ पे क्या सेट करके रखना है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एम्पलीफायर की बैक पैनल की सेटिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो एम्पलीफायर रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर में बता दूंगा क्या है, दोस्तों हर एम्पलीफायर में डिफरेंट टाइप के बैक पैनल पे क्रॉसओवर सेटिंग दी जाती है, इसलिए मैंने दो एम्पलीफायर का सेटअप लगा रखा है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एम्पलीफायर की बैक पैनल की सेटिंग देखते हैं। तो अगर आप दोस्तों मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले NX Audio का MT1601 रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसकी बैक पैनल की सेटिंग की बात करें, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिमिटर का देखने को मिल रहा है स्विच। तो ये लिमिटर का स्विच, मान लीजिए जैसे आपको ऑपरेटिंग अच्छे से नहीं आता, आपको स्पीकर जलने का आपके मन में झिझक है कि हमारा स्पीकर जल जाएगा, कट जाएगा, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस लिमिटर को स्विच को ऑन करके रखेंगे तो आपका जो स्पीकर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपको ऑपरेटिंग अच्छे से आता है, जैसे आप इस पर अगर हाई वाटेज के स्पीकर चलाते हैं तो आप लिमिटर को ऑफ ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसके नीचे सेंसिटिविटी का स्विच देखने को मिल जाएगा। तो सेंसिटिविटी के स्विच को क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.775 वोल्ट देखने को मिल रहा है, 1.050 वोल्ट देखने को मिल रहा है, 1.44 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको 0.77 वोल्ट पे ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको कम वैल्यूम में ही, जैसे आप कम गेन खोलते हैं उस पे ही आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑपरेशन मोड देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन मोड दोस्तों क्या है, सेम ही रहता है हर एम्पलीफायर का। इसमें क्या है दोस्तों, मान लीजिए जैसे ये हमारा एम्पलीफायर का ये स्विच है, इसको हम स्टूडियो पे रखते हैं, तो स्टूडियो में क्या होगा दोस्तों, आपको इस एम्पलीफायर को दोनों चैनल पे इनपुट देना पड़ेगा, तो ये दोनों चैनल से आउटपुट निकालेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टूडियो। अब दोस्तों जैसे अगर हम इसको पैरेलल पे रखते हैं, तो पैरेलल पे क्या होगा, मान लीजिए आप अपने मिक्सर से इसके ए चैनल पे इनपुट देते हैं और आपको ये आउटपुट जो है दोनों चैनल से देगा। तो दोस्तों अगर आपको, जैसे बहुत सारे भाई पैरेलल यूज़ करते हैं, तो आपको अपने एम्पलीफायर के एक ही चैनल पे इनपुट देना है और आपके दोनों चैनल से आउटपुट निकलेगा। और यहीं पे दोस्तों अगर आप बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज में क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए जैसे हम इस स्विच को ब्रिज में क्या होता है दोस्तों, वैसे इंडिया में इतने हाईफाई स्पीकर हैं नहीं। जैसे मान लीजिए आपका एम्पलीफायर 4000-3000 वाटेज का है और आपको उस पर हाई वाटेज के बेस रन करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्रिज मोड काम आता है। इस स्विच को दोस्तों हम ब्रिज मोड पे कर देंगे, सामने की तरफ दोस्तों हमारा सिर्फ ए चैनल का ही वैल्यूम नोब काम करेगा और इसके प्लस चैनल वन के प्लस टर्मिनल और चैनल टू के प्लस टर्मिनल, इसी दोनों वायर को दोस्तों हम स्पीकर पे कनेक्ट करेंगे। ये होगा दोस्तों हमारा ब्रिज का। अब इसके नीचे दोस्तों बात करें हम फिल्टर की, तो फिल्टर को दोस्तों, फिल्टर में देखिए क्या होता है, जैसे आप बेस रन कर रहे हैं दोस्तों, तो इस स्विच को हम, ये स्विच आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हमको लो में सेट करके रखना है। मान लीजिए बेस रन कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास एक्सटर्नल क्रॉसओवर नहीं लगा रहे हैं तो इसको हम लो पास में रखेंगे, और मान लीजिए दोस्तों अगर आप इस पर टॉप चला रहे हैं तो इसको आप बाई पास पे रखेंगे, और मान लीजिए दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई हैवी लाइनर यूज़ करते हैं तो वो उसको हाई पास फिल्टर पर सेट करके रखते हैं। तो आप लोग दोस्तों समझ ही गए होंगे कि इसको अगर टॉप चलाना है तो वाई पास पे रखना है, बेस चलाना है तो लो पास पे रखना है, और मान लीजिए लाइनर चलाना है तो आपको हाई पास में रखना है। उसी के नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे लो कट 30 हर्ट्ज का एक स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको 30 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी चाहिए ही नहीं तो हम इसको ऑन कर देंगे, और दोस्तों मान लीजिए अगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम नॉर्मली चला रहे हैं, तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी इन्हांसर का आपको एक देखने को मिल जाएगा। इस पे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे आप इस एम्पलीफायर पे अपना बेस रन कर रहे हैं दोस्तों, आपको उस पे अच्छा पंच चाहिए, तो जैसे ही दोस्तों अगर आप इस लो फ्रिक्वेंसी इन्हांस को अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ जाता है,
और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये जो इसी के नीचे ग्राउंड का स्विच आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्राउंड दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम जनरेटर पे अपना डीजे सेटअप चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या है दोस्तों जो हमारा ज़मीन का अर्थिंग होता है वो हमको नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे दोस्तों हम इसको ऑन करके रखते हैं। और मान लीजिए जैसे अगर हम फ्लोर डीजे लगा रहे हैं जहाँ पे हमको अर्थिंग की सुविधा मिल रही है वहाँ पे दोस्तों हम इसको ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका MT1601 का क्रॉसओवर सेटिंग। और दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्मली सभी एम्पलीफायर में कुछ इसी टाइप से आपको क्रॉसओवर सेटिंग देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों आपने NX Audio MT1601 का क्रॉसओवर सेटिंग देखा, अब दोस्तों मैं आपको एम्प्रो का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पे आपको लो पास हाई पास सिलेक्ट करने के लिए दोनों चैनल पे ही आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है। और दोस्तों जो अभी आपने MT1601 में देखा इसमें दोस्तों आपको खाली सिंगल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए बहुत सारे भाई हमारे एक चैनल पे टॉप एक चैनल पे बेस चलाते हैं, तो दोस्तों मान लीजिए आप फर्स्ट चैनल पे टॉप चला रहे हैं तो इसको हम फुल पे सेट करके रखेंगे और इसको दोस्तों हम लो पास में करके रखेंगे, जिससे हम ए चैनल पे टॉप चलाएंगे बी चैनल पे बेस चलाएंगे। और बहुत सारे भाई मान लीजिए लाइनर चला रहे हैं तो इसको दोस्तों आपको हाई में करके रखना है। और मान लीजिए दोस्तों अगर आपको दोनों ही चैनल पे टॉप चलाना है तो इसको भी आपको फुल रेंज पे चलाना है और इस चैनल के भी सेटिंग को आपको फुल पे करेंगे तो आपको दोनों चैनल पे टॉप चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको NX Audio MT1601 में बताया था कि ग्राउंड के लिए मान लीजिए आप जनरेटर पे चला रहे हैं तो इसको लिफ्ट पे करना है, और मान लीजिए अगर आप फ्लोर चला रहे हैं फ्लोर डीजे कहीं पे लगाए हैं वहाँ पे आपको अर्थिंग की सुविधा है तो इसको ग्राउंड पे करके रखना है। अब दोस्तों इसी के नीचे आपको सेंसिविटी का स्विच देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने NX Audio में ही बताया था आपको कि इसको 0.77 वोल्ट पे सेट करके रखना है, इससे क्या है आपको कम गेन खोलने पे ही अच्छा वॉल्यूम का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे दोस्तों एक इसमें आपको क्लिपिंग का सेटिंग दे रखा है इस एम्पलीफायर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही एम्पलीफायर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेटिंग देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों आपको जैसे मान लीजिए हम 4 ओम पे चला रहे हैं दोस्तों तो हम इसको 4 ओम पे सेट करके रखेंगे ताकि दोस्तों मान लीजिए जैसे हम हाई प्रेशर से स्पीकर को आउटपुट देते हैं तो उससे पहले ही हमारा क्लिपिंग इंडिकेटर जल जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें आपको लिमिटर का स्विच देखने को मिला था, इसमें दोस्तों आपको क्लिपिंग का स्विच देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसी के नीचे आपको ऑपरेशन मोड का एक स्विच देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको NX Audio MT1601 में बताया था दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए आप दोनों चैनल पे इनपुट दे रहे हैं और दोनों चैनल से आउटपुट ले रहे हैं स्टूडियो मोड पे चला रहे हैं तो दोस्तों हम इस स्विच को स्टूडियो पे ही सेट करके रखेंगे। और मान लीजिए दोस्तों बहुत सारे भाई मोनो पे यानी कि पैरेलल पे चलाते हैं तो पैरेलल पे क्या होता है आप ए चैनल पे इनपुट देंगे और दोस्तों आउटपुट हमारा दोनों चैनल से आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको MT1601 में बताया था सेम सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पे भी रखना है, इसको मोनो या फिर पैरेलल पे रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों आपको जैसे इस एम्पलीफायर को ब्रिज पे चलाना है तो ब्रिज के लिए दोस्तों मैंने जैसे इसमें बताया था कि आपको इनपुट सिर्फ ए चैनल पे देना है और आउटपुट दोस्तों आपको दोनों चैनल के प्लस टर्मिनल से ही आपको आउटपुट मिलेगा आपके हैवी स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस स्विच को हम ब्रिज पे कर देंगे तो ये हमारा ब्रिज पे हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा एम्प्रो M4200 एम्पलीफायर का क्रॉसओवर सेटिंग। और यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैं आपको MT1601 का सेटिंग बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दोनों ही एम्पलीफायर जैसे आप कोई भी एम्पलीफायर का क्रॉसओवर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की मदद से बड़े ही ईजिली उस एम्पलीफायर का क्रॉसओवर सेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।